होती है, तीन टाइप से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये बात समझ में आती है। और ये जो भी क्वेश्चन मैम ने होमवर्क में दिए थे अभी जो मैंने बताया, समझ में आ गए सारे? मुझे लगता है सिर्फ साक्षी ने किए थे, उसके अलावा किसी ने नहीं किए। आयुष कुमार, समझ में आ गए ना क्वेश्चन? ओके, चलिए बच्चे देखिए, व्हाट इज अ नॉर्मल? बच्चे टेंजेंट क्या होती है? किसी भी कर्व पर जो एक बार क्या होता है, टच करके जाती है लाइन, वो क्या होती है बच्चे? आपकी टेंजेंट होती है। क्या होती है? टेंजेंट होती है। इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या होती है बच्चे? नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल। अगर हम सर्कल का केस लें, सर्कल के केस में इफ दिस इज योर टेंजेंट देन दिस इज योर नॉर्मल। और बच्चे हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, बट रेडियस भी तो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो रेडियस होगा वो आपका पक्का सेंटर से पास करेगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें क्या करनी है, रिवाइज करनी है यहाँ पर। सबसे पहले मुझे जल्दी से बता दो, हमने कितनी फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी है? बोलो। अरे बच्चे हमने कितनी फॉर्म में पढ़ी है? तीन फॉर्म में पढ़ी है ना। पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होता है? लेट्स से कि एक हमारा सर्कल है और एक्स वन कॉमा वाई वन पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, तो क्या होती है बच्चे? आपका सर्कल ये है। अरे लास्ट लेक्चर में पढ़ा नहीं था क्या? बताना क्या होती है, किसी को नहीं याद बच्चे? आप लोगों को याद नहीं है या पढ़ा नहीं था? देखो यही वाली थी ना हमारी स्लाइड्स जो हमने की थी अभी। सेकंड को, यस सॉरी, ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाली है अभी, जिसके मैंने आपको डाउट्स बताए हैं। पोजीशन ऑफ, ये देखो पॉइंट फॉर्म ये वाले हमने किए थे ना, रिमेम्बर? ये पॉइंट फॉर्म वाले, क्योंकि मैं जिस भी बैच में पढ़ा रही हूँ कोई बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ये देखो पॉइंट फॉर्म हमने की थी ना, यस मैम। याद आ गई? तो बच्चे मैं ना अभी उस चीज को ना जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, प्लीज साथ दे देना। ठीक है, तो बच्चे पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? देखो पॉइंट फॉर्म में, अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, अगर पॉइंट क्या करता है, सर्कल पर लाई करता है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? जीरो, और अगर सर्कल पर लाई करता है तो वन। सर्कल पे तो वन। मैम एक पॉइंट होता और है ना। नहीं नहीं बच्चे, एक पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो इस पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है ना? यस यस। मैम, एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते। नहीं बच्चे, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, वैसे सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। ओके मैम, ठीक है, और अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो कितनी टेंजेंट हो सकती है? दो टेंजेंट। तो ठीक है, नो टेंजेंट। समझ में आ गया बच्चे? यहां पर जो भी अभी तक हमने देखा है, हमें क्या है, पॉइंट पता होता है। पॉइंट किस पर लाई करता है? सर्कल पर लाई करता है। तो ना बच्चे इसकी ना जनरल केस की ऐसे लिख लो, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये होगी। ठीक है, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस 2f into y plus y1 by 2 plus c is equals to 0। ये किसकी इक्वेशन है बच्चे? टेंजेंट की। ठीक है, समझ में आ यस गया बच्चे? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? लेट्स से दिस इज योर माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड दिस इज योर एक्स वन कॉमा वाई वन। समझ में आया? तो बच्चे आपके नॉर्मल की इक्वेशन होगी पॉइंट फॉर्म में, वो हो जाएगी वाई माइनस वाई वन बाय वाई वन प्लस जी इज इक्वल्स टू द एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एफ। चाहो तो याद कर लो। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? सो बच्चे ये हमने बात की पॉइंट फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंड कौन सी थी हमारी, पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चे जितना भी मैथ्स को क्या पॉइंट वाइज याद रखोगे ना, चीजें बहुत ही इजी होंगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या इक्वेशन थी टेंजेंट की?
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू आर वाई साइन थीटा बच्चे यस मैम वाई साइन थीटा ये किसकी थी टेंजेंट की थी नॉर्मल की क्या हो जाएगी बच्चे नॉर्मल क्या है नॉर्मल और हम कौन सा सर्कल ले रहे हैं बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो नॉर्मल क्या 0,0 से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा सो दिस विल बी योर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो कैसे देखो दिस इज योर 0,0 तो आपका सर्कल सॉरी आपका नॉर्मल इस पॉइंट से पास होगा और ये कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा से भी पास होगा सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताइए कोई डाउट है तो समझ में आ गया बच्चे बोलो समझ में आ गया सो दिस इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चे एक हमारी स्लोप फॉर्म में क्या थी किसकी इक्वेशन थी टेंजेंट की उस फॉर्म में हम सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल की नहीं लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर याद है या नहीं याद है यस मैम ठीक है सो इस केस में नॉर्मल की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको m पता है तो नॉर्मल के केस में माइनस वन बाय एम एक्स हो जाएगा और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं समझ में आया क्योंकि फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा जाता है ठीक है चलिए अब बच्चे इसके बेसिस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपके बैच में इतने ही बच्चे रहते हैं क्या चलिए बताइए बच्चे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बताइए कैसे करेंगे कोई आइडिया या मैं ही बताऊं हाँ जी बच्चे देखिए यहां पर देखिए द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द सर्कल सो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 39 इज इक्वल्स टू जीरो सो दिस इज योर सर्कल इसके सेंटर बताओगे क्या होंगे सेंटर बताना जल्दी से मैम -2, -3 एंड दिस इज योर पॉइंट बी मैंने मान लिया दूसरा पॉइंट है a कॉमा बी और ये पॉइंट है मेरा 2,3 बच्चे तो क्या मुझे इतनी बात समझ में आती है ये पक्का सेंटर से पास होगा ठीक है और बच्चे जो भी सेंटर से पास होगा वो डायमीटर होगा तो यानी a और b का मिड पॉइंट क्या होगा सेंटर होगा तो यानी a प्लस 2/2 इक्वल्स टू -2 एंड b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू द -3 तो बच्चे a की वैल्यू क्या आ गई -6 एंड बी की वैल्यू क्या आ गई -9 कौन सा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन समझ में आया क्लियर है सबको इजी था कोई डाउट तो नहीं था ना ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अब पहले मैं इसको समझा देती हूँ कि क्या है पहले बच्चे आप मुझे एक बात बताएंगे ये जो सर्कल है ये कैसा केस है कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे ना हमने सर्कल के यस मैम तो ये क्या ओरिजिन से पास करता है इतनी बात आपको समझ में आती है यस मैम अच्छा बच्चे यहाँ पर मुझे पूछा है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जो कि फॉर्म हुआ है एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल कौन से पॉइंट पर 1,√3 पर चलो देखते हैं बच्चे सबसे पहले तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी कि जो सर्कल है वो एक तो 0,0 से पास हो रहा है और उसका उसका जो सेंटर है वो है 2,0 और उसका रेडियस कितना है 2 है वो तो हम देख के बता ही सकते हैं सो दिस इज योर सर्कल आई नो बहुत गंदा सर्कल है बट काम चला लो ठीक है एंड दिस इज योर 1,√3 ठीक है तो बच्चे नॉर्मल तो ये होगा ये है ओ ये है ए और बच्चे आपकी टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पर कट कर रही है मैंने ये एज्यूम कर लिया ठीक है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर ठीक है तो मुझे बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी फाइंड करना है तो बच्चे क्या वो मैं बोल सकती हूँ हाफ इंटू एओ इंटू एबी यस मैम बच्चे एओ तो आपका 2 ही हो गया क्योंकि वो क्या है रेडियस है अगर मुझे एबी की लेंथ पता चल जाए
तो क्या मेरा काम हो जाएगा? यस मैम, ठीक है बच्चे, सर्कल की इक्वेशन अभी अभी हमने देखी थी, क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? यही थी ना? ठीक है, और पॉइंट क्या है? 1.3 है. तो बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन। देख लो, समझ में आ यस गया? बच्चे कोई भी सर्कल की इक्वेशन, जैसे लेट्स से कि यहां पर ऐसी इक्वेशन दी हुई है, जब भी सर्कल की इक्वेशन दी हो और मुझे पॉइंट दिया हो और वो पॉइंट लाई करता हो सर्कल पर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर कोई भी पॉइंट दिया हो जो कि सर्कल पर लाई कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर को ऐसे रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को ऐसे रिप्लेस करेंगे, एक्स को ऐसे रिप्लेस करेंगे एंड वाई को इससे रिप्लेस कर देंगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक्स को एक्स वन कॉमा वाई वन अगर लाई करते हैं सर्कल पर और मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बस इसको रिप्लेस कर दो. वही मैंने यहां पर किया. अब वैल्यूज पुट कर दो, तो यानी एक्स प्लस √3 y माइनस 2 x + 1 इज इक्वल्स टू जीरो. देख लो, समझ में आ गया सबको क्या किया है? तो बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी √3 - x - 2 इज इक्वल्स टू जीरो. देख लो, तो यानी ए बी की इक्वेशन कितनी है? इतनी है. तो बच्चे बी पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट, सो ये आ जाएगा -2, 0. समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अगर ये -2, 0 है, अब देखो बच्चे ये तो सिंपली ये ऐसी ट्राइंगल है, यहां पर है 1, √3, ये है -2, 0 और ये है 2, 0. निकाल लेंगे। ए बी ओ, बच्चे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये कितना हो गया? ये √12 हो गया. यस सिंपल. मैम। तो एरिया मैंने देखा था ए बी के इक्वल था, सो यानी एरिया कितना आ गया बच्चे? √12 आ गया. सो दैट इज योर 2√3 स्क्वायर यूनिट. सो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज योर ऑप्शन बी. समझ में आया जी? यस ठीक मैम। है, पक्का समझ में आ गया? हाँ जी बताइए. यस मैम, आ गया समझ में। ओके गुड. चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको ना क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना, पोल्स में ही आंसर करना, ठीक है? चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. बच्चे समझ में आ रहा है ना कि नॉर्मल क्या होता है, कैसे देखना है उसे? जी, देखिए हाँ जी बताएंगे कैसे कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन. साक्षी आप बताना चाहोगे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है और हमें दिया हुआ है कि उसका ऑर्डिनेट -1 है। बच्चे नॉर्मल्स की इक्वेशन नहीं है, हर बैच में यही हो रहा है, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, और सर्कल है, ये एक सर्कल है, x² + y² - 8x - 2y + 12 = 0. ठीक है, सो दिस इज योर सर्कल, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या होंगे? 4, 1 4.1 मैम, और इसका वो क्या होगा, रेडियस क्या होगा? √5। √5 होगा. हाँ जी √5. बच्चे अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट -1 है, और मैंने मान लिया ये कितना है, x1 है. इतनी बात समझ में आई? तो मुझे इस पॉइंट से पास होती, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, x1 जो है ऐसे दो लाई करेंगे, वहां से पास होते हुए नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है. अगर मैं x1 फाइंड कर लूं तो क्या मैं इक्वेशंस फाइंड कर सकती हूं?
फिर तो बच्चे मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता ही चल गया ना डायरेक्ट. तो बच्चे एक तो तरीका ये है कि इन दो के बीच मैम में जो डिस्टेंस है वो फोर अंडर रूट नाइन फाइव एक्स है. अंडर रूट एक फाइव ये हो कि जाएगा ना, फिर तो एक्स x1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द अंडर रूट 5. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या मिल गया बच्चे मुझे, x1 square plus 16 - 8x plus 4 is equals to 5, right? तो बच्चे यहां से हमें मिला x1 square minus 8x1 और plus 15 is equals to 0. तो बच्चे एक्स वन की वैल्यू क्या क्या आएंगी देख सकते हो, क्या आएगा माइ 3 and 5 आ जाएंगी. समझ में आया? तो यस यानी क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक हो गया 3, -1 और एक हो गया 5, -1. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. yes. अभी अभी मैंने बताया था पॉइंट फॉर्म, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पर लाई करते हैं, इन दोनों में से पास होने वाले मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है. क्या होती है, y-y1 / y1 + g इज इक्वल्स टू द x-x1 / x1. प्लस जी. ठीक है. तो बच्चे जी और एफ क्या थे, 4, 1 थे. तो यानी जी कितना है, 4 है, एफ कितना है, 1 है. तो वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले इसके लिए फाइंड करो 3 और -1 के लिए. तो यानी y+1 / 1 + 1. अरे जीरो कैसे आ गया, एक सेकेंड रुकना. मैम y वहां पे -1 होगा ना, क्या y1 तो -1 ही है ना, -1 ही तो पुट किया है. f कितना है, +1 है. रुक जाओ, ये होगा बच्चे y. लास्ट वाली स्लाइड दिखाना एक मिनट, लो देख लो मैम ये बीच में ये आ रहे हैं ना मैम, इनसे दिख नहीं रहा नीचे वाला. लो ओके मैम समझ में आ गया. अच्छा बताओ इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों चीजें दी हुई हैं. बताओ क्या आएगा मामी, नीचे 0. जीरो तो नहीं बनेगा ना, इक्वेशन देखो ना पहले क्या फाइंड की थी हमने. अभी आपको यहाँ पर नॉर्मल वाली लिखवाई थी ना, ये वाली लिखवाई थी ना, y1 + g आएगा बच्चे. और ये मैंने कैसे बता दिया था, यहाँ पर मैंने गलती की थी, आपने देखा ही नहीं. देखो अगर दो पॉइंट्स मुझे गिवन है तो y-y1 इज इक्वल्स टू द y1 - -f विल बी योर प्लस f हो जाएगा, यानी x1 + g हो जाएगा, x-x1 हो जाएगा. तो बच्चे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में गलती की थी, राइट. सो यहाँ पर ठीक कर लेना, दिस वन विल योर y1 + f and x1 + g. ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे चले. हाँ जी, यहां से बताओ. ठीक है, ऑर्डिनेट कितना था बच्चे, -1 था. ठीक है, सो ये कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नीचे क्या बना, -1. एफ कितना आ जाएगा, +1. या फिर इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट्स मुझे गिवन है, कौन कौन से, 4, -1 / 4, -1 और 3, -1 से पास होती लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगी, y+1 = -1 - -1 / 3 - 4 × x - 3. ये होगी बच्चे आपकी इक्वेशन. समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, तो क्या आ गया बच्चे, यहां से मेरे पास आ गया -1 × y + 1 = -2 × x - 3. सो एक इक्वेशन मेरी आ गई -y - 1 = -2x + 6. सो बच्चे दिस विल बी योर 2x - y - 7 = 0. एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन है, 2x - y - 7 = 0. तो यानी ये वाला ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर.
समझ में आ गया? यस मैम। तो बच्चे अगर आप 5, -1 से लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 5, -1 और ये है 4, 1। सो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू द -1, -1 बाय 5 -4 इंटू x -5। तो बच्चे दिस इज योर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू द -2 इंटू x -5। सो दिस विल बी योर y प्लस 2x + 1 -10 इज इक्वल्स टू 9। तो बच्चे 2x + y - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी इक्वेशन है आपकी? यही है, ए आंसर, ए इज योर आंसर। यस समझ में आ गया? मैम। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चे अब हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। अगर ये आपका सर्कल है और ये पॉइंट क्या है, x1, y1 बाहर लाई करता है सर्कल के। कहाँ लाई करता है? बाहर लाई करता है, राइट? एंड दिस इज योर पॉइंट पी। और बच्चे यहां पर ना बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, यही फॉर्मूला है। एक्चुअली सेंटर हमारा क्या होता है? -f और -g होता है। तो g की वैल्यू -4 होगी और f की वैल्यू -1 होगी। अब पुट करके देख लेना, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है हमारा? -g, -f होता है ना, यस मैम। ठीक है? तो g की वैल्यू कितनी आएगी? -4। f की वैल्यू कितनी आएगी? -1। यहाँ पर पुट करो करके देखोगे तो सेम फॉर्मूला है। तो जो इनिशियल वाली स्लाइड थी उसमें फॉर्मूला मैंने ठीक करवा दिया, यही फॉर्मूला है, ठीक है? देखो बच्चे, अगर ये पॉइंट पी है, यहां से अगर मैंने दो टेंशन गिराई, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए और बी पर मिलती हैं सर्कल को। कौन सा सर्कल है? x² + y² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चे? मैम किसका इसका सेंटर रेडियस कितना? बता दीजिए। है सेंटर। वेरी गुड। क्या बच्चे मुझे इतना पता है कि पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू पी बी होगा? यस मैम। यस इतना मैम। पता है हमें? तो यानी अगर मैं पी ए की लेंथ फाइंड कर लूं तो मुझे ऑटोमेटिकली पी बी की लेंथ पता चल गई। यस बोलो, मैम। तो बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इस पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट गिराई तो टेंजेंट अगर ए पॉइंट पर जाके सर्कल को टच करी तो जो पी ए लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट से कि अगर पी पॉइंट भी सर्कल पर लाई करता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पी और ए सेम ही पॉइंट हो गए तो दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कब फाइंड करेंगे हम? हमेशा उस केस में जहां पर क्या है, जो x1, y1 है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, सर्कल पर लाई नहीं करता। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है और या फिर इसकी लेंथ क्या होती है। प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली करते हैं। बच्चे इसकी लेंथ होती है, मतलब पी ए और पी बी की लेंथ होती है √x1² + y1² - a² ठीक है? बच्चे आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा √S1। समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, देखो बच्चे, मेरा सर्कल था x² + y² = a² मैंने मान लिया ये ना कोई कर्व है एस करके। सो मैं इसको ऐसे दे सकती हूँ, जो भी पॉइंट इस सर्कल पर लाई करेंगे तो वो तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो तो इसको 0 के इक्वल दे देंगे, राइट? S1 का मतलब होता है जब मैं इसमें कोई भी क्या है कोऑर्डिनेट्स पुट कर देती हूँ। S2 का मतलब क्या हो जाएगा? जब मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चे लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम √S1 से देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1 है। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। याद रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस क्या है बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। अब सिंपली यहां पर भी क्या है, अब क्या ले लिया हमने? एक जनरल किसका केस ले लिया? जनरल इक्वेशन सर्कल। सर्कल ले ली, ठीक है? तो x1, 1 से करवाएंगे, √S1 ही आएगा, ठीक है? जो सेम था चीज। उसका अंडर रूट कर देना है मैम। हाँ जी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। लेट से दिस इज योर पॉइंट पी, ठीक है? पी से अगर हम क्या करें, सर्कल पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन गिराएं और एक टेंजेंट लाइन गिराएं। कितने केसेस हो सकते हैं बच्चे पी से अगर हम कोई लाइन गिराएं तो? कितनी, मतलब
एक लाइन और सर्कल के बीच के इंटरसेक्शन के कितने केसेस करवाए थे मैम ने, रिमेम्बर? एक या तो वो टेंजेंट होगी, दूसरा वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या तीसरा वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, यही किए थे ना हमने? यस मैम, यही तीन केसेस थे ना, ठीक है। तो बच्चे जब ये वाली चीज है, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दो केसेस के बारे में देखेंगे। तो बच्चे पावर ऑफ पॉइंट होती है, भले कोई भी सर्कल है, ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी, और इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी यही है, बी बी यही है, तो पी टी स्क्वायर। समझ में आया? बोलो। Yes, जिस भी मतलब जो जितने भी पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट पी ए एंड पी बी, अगर एक ही बार कट कर रहा है तो पी टी इंटू पी टी, दैट इज योर पी टी स्क्वायर। बच्चे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा है, तो क्या हम ट्राइंगल पी ए टी एंड ट्राइंगल पी बी टी से ये प्रूव कर सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है। यहां पर जस्ट बता रही हूँ कि ये होता है। समझ में आया या नहीं आया? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। बच्चे फ्रॉम ज्योमेट्री देखो, दो ट्राइंगल्स कंसीडर करो, ट्राइंगल पी ए टी, ट्राइंगल पी बी टी, अरे सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं किया टेंथ में? यस मैम आ गया। यस मैम। तो बच्चे वहां से हमें ये मिल जाएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अरे पीटी क्या होती है, ये तो अभी अभी हमने देखा था, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, वो हम कैसे देखते हैं, अंडर रूट एस वन से। अगर ये एक्स वन कॉमा वाई वन है तो कैसे देते हैं बच्चे, अंडर रूट एस वन से देते हैं। तो बच्चे पावर ऑफ अ पॉइंट क्या हो जाएगी, अंडर रूट वन होल स्क्वायर, दैट इज योर एस वन ओनली। समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ऑफ अ पॉइंट ना बहुत कम यूज होती है, इसके क्वेश्चंस भी काफी कम होते हैं, बट स्टिल हमें ना ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और फिर जो है हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पोल्स में आंसर करेंगे सबके सब। बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर टू का पोल्स में आंसर नहीं किया था? अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर टू ही मान लो, इसका पोल्स में आंसर कीजिए। सुनो, क्वेश्चन नंबर टू मान के पोल्स में आंसर कीजिए। देखो, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल मीट्स अ स्ट्रेट लाइन दिस एट अ पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस। बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा ग्राफ बनाएंगे, उससे क्या होता है हमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। अच्छा इसके सेंटर बताना क्या क्या है, इसके सेंटर है माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है मैम? थ्री अंडर रूट टू। बच्चे नो, बच्चे नाइन एटीन माइनस फोर, दैट इज योर अंडर रूट फोर्टीन, ठीक है। अब देखो, टू नहीं देखा था। ओके, फिर देखना चाहिए ना, दिस इज योर डायग्राम। सो योर सर्कल इज लाइक दिस, थोड़ा सा मैं नीचे बनाती हूँ क्योंकि हमें ऊपर देखनी है चीज। This is your y-axis and this is your x-axis. और इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री है, और ये कितना है बच्चे, रूट फोर्टीन है। समझ में आ गया यहां तक? अब बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट P है जिससे हमने क्या गिराई, टेंजेंट गिराई, सो दिस इज योर टेंजेंट। समझ में आया यहां तक? अब एक दूसरी लाइन है जो इस टेंजेंट को मीट करती है पॉइंट Q पर, जो कि y एक्सिस पर लाइक करता है, और इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम। पक्का समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लेंथ PQ फाइंड करनी है, इसका मतलब अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स
पता चल जाए तो ये तो बच्चे लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं है, यस मैम, है ना, यही है ना। तो बच्चे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल सकते हैं? यस मैम, इक्वेशन से। कैसे बताओ जल्दी से, अरे सिंपल सा है इसका, क्या है ना? हाँ, इस लाइन का क्या है, वाई इंटरसेप्ट ही तो है। अरे तो मैम लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, अंडर रूट एस वन होती है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है, क्या है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर सर्कल का इक्वेशन। पुट करो, 0 square plus 3 square plus 6 into 0 plus 6 into 3 minus 2, अरे अरे क्या मिल गया, अंडर रूट 9 plus 18 minus 2, सो दिस इज योर कितना बन गया, 27 minus 2, दैट इज योर 25। अरे ये तो बहुत ही इजी था, बताइए समझ में आ गया जी। बच्चे देखो, yes. अगर आपको पढ़कर ड्रॉ करना आ गया ना, आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। अब कोई सोचेगा अरे मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, फिर पी क्यू की लेंथ निकालूं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी कैन बी एनी पॉइंट, पी कैन बी एनी पॉइंट ना, कैसे निकालेंगे, मुश्किल हो जाएगी ना बच्चे, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करो, अरे ये क्या है, मैंने क्यू को मान लिया, क्यू क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे जो टेंजेंट है वही पी क्यू टेंजेंट है, सो दैट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया, इजी था? यस मैम। ओके चलिए फिर ये वाला आंसर बताइए मुझे जल्दी से, देखना 2 मिनट में आ जाएगा। इस पे तो ना मैं कुछ ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ही। मुझे बताना है द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चे सर्कल मुझे गिवन है x square minus 2x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equals to 0, और ये लेंथ है 3 units, समझ में आया, और मुझे इस पॉइंट का लोकस बताना है। तो मैंने इसको मान लिया ये है P, और मान लिया ये है H, K। अरे बच्चे ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मुझे पता है, यानी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3, यही है ना, p कैन बी एनी पॉइंट। तो बच्चे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मुझे क्या मिल गया, जल्दी से प्लीज इसका तो आंसर कर दो, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, क्या बन गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, एच को रिप्लेस करो एक्स से, के को रिप्लेस करो वाई से। समझ में आया? यस मैम। पक्का? मैम लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते, एक बार दोबारा बता दो। श्योर बच्चे देखो, अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसकी इक्वेशन कैन बी एनी थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट, और ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है, और इस ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो बच्चे PQ की लेंथ क्या होगी, PQ की लेंथ होगी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है, या फिर मैं इसको अंडर रूट s1 भी लिख सकती हूँ। समझ में आया, बेसिकली जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको क्या करो, सर्कल पर पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा, बच्चे जीरो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो सर्कल पर तो लाई नहीं कर रहा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है? बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको कैसे समझेंगे, देखिए, सो दिस इज योर पॉइंट पी, यहां से हमने क्या की, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट पी। तो बच्चे ये जो कॉर्ड होगी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ
कॉन्टेक्ट, क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ गया? बोलो अब बच्चे मुझे ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैंने मान लिया सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस टू जी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चे ए बी की इक्वेशन पता है क्या होगी, जैसे हम टेंजेंट के केस में लिखते थे ना, सेम क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू एफ वाई प्लस वाई वन बाय टू प्लस टू जी एक्स प्लस एक्स वन बाय टू प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी। बच्चे याद करने का तरीका समझाती हूँ, ठीक है बच्चे। ये जो चीज होती है ना, इसको हम t इज इक्वल्स टू जीरो भी लिखते हैं। t इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब पता है क्या होता है, जब हम x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन से, और y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस वाई वन बाई टू से, एंड x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस एक्स बाई टू। ये होता है आपका t इज इक्वल्स टू जीरो। देखो बच्चे याद रखना कैसे, बच्चे मैथ्स ना बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, वो ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ना अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मतलब उसकी जो थ्योरम्स होती है ना देखना हर जगह लगती हैं। अगर ये पॉइंट P है x1 comma y1 जो कि लाई करता है सर्कल पर, तो बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, t is equals to zero। समझ में आया? अगर ये पॉइंट कैसा हो जाए, सर्कल से दूर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएगा, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो भी होगी t is equals to zero। पता है क्यों बच्चे, ये जो कॉर्ड है ये पहले यहां आई होगी, ये ऐसे आई होगी, मतलब बेसिकली जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, सिकेंट का स्पेशल केस ही तो होती है। यस मैम, यस मैम। तो बच्चे बेसिकली जब ये लाइन दो पॉइंट की जगह एक ही पॉइंट पर कट करे तो सेम ही तो लाइन है, तो बच्चे वही चीज लिखी हुई है, बस देखने का डिफरेंस है। ये पॉइंट पी उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये t is equals to zero है, जब ये पॉइंट पी सर्कल पर लाई करता है तो ये t is equals to zero है। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो आपको बार बार याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल t is equals to zero का क्या मतलब है, वो टेंजेंट की इक्वेशन देगा, ठीक है। अगर टेंजेंट, अगर पॉइंट जो है वो कर्व पर नहीं लाई करती है, तो वो अंदर जाके क्या बना देगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना देगी, तो वो t is equals to zero दे देगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सोचना ही नहीं है ज्यादा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। देखो द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट, पहले तो पता होना चाहिए कि क्या होती हैं, ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब किसी भी पॉइंट से अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करूं इस सर्कल पर, तो देखो बच्चे दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर लाइन, ठीक है। इस लाइन से कह रहा है कि कोई भी पॉइंट चूज कर लो, मैंने मान लिया ये पी पॉइंट है और यहां से क्या है दो टेंजेंट्स गिरा दी, सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, कह रहा है कि हमेशा भले कोई भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो वो हमेशा ए कॉमा बी से पास करेगी ही करेगी, और मुझे क्या फाइंड करनी है, ए बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखना कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने आपकी बात रही है बच्चे, सबको कट रही है या आप ही को कट रही है? नो मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। तो एक्चुअली मैं भी आपके नेटवर्क इशू में, मतलब आप आपके पास कोई नेटवर्क इशू होगा। मैम अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे। देखो ये है ए कॉमा बी, समझ में आया? अब बच्चे देखो, मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है वो है x1 कॉमा y1, और ये जो लाइन है ये है 2x plus y is equals to 4। अब बच्चे सबसे पहले तो ना आंख बंद करके ये लिख दो, 2x1 plus y1 is equals to 4, ये तो पक्का हो गई होगा, ये पॉइंट तो लाई करता ही है, बोला ही है क्वेश्चन में। यस मैम, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो बच्चे मेरे को पता है ए बी की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, आई या नहीं आई, समझ गए?
और बच्चे ये जो इक्वेशन है जो ए बी है वो पक्का ए कॉमा बी से पास हो रही है, तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर टू मत मानो, यहां पर क्या पुट करेंगे हम, ए कॉमा बी पुट कर देंगे। तो यानी ए वाई वन सॉरी ए ए एक्स वन वन प्लस बी वाई वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, अरे इज इक्वल्स टू वन लिख दिया मैंने, ठीक है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, क्यों, क्योंकि ए और बी तो मुझे चाहिए, एक्स वन और वाई वन की वैल्यू निकालो या फिर ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टू, बच्चे इसको ना मैं बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टू एक्स वन इंटू बी प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू फोर बी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू वन। तो बच्चे इन दोनों को अगर मैं क्या करूं, एलिमिनेट करूं, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, मैं कुछ बोल ही नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चे मुझे ए और बी की वैल्यू बता सकता है कोई, जल्दी से सॉल्व करो, एक्स वन की वैल्यू इतनी आ गई तो वाई वन की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो बच्चे मुझे कोई ए और बी की वैल्यू बता सकता है कि क्या होगी, जल्दी बताइए मैम, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बच्चे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। देखो यहां तक तो समझ में आई गया ना, एक्स वन इतना आ गया, बोलो yes. तो बच्चे वाई वन भी आ सकते हैं, वाई वन कितना आ जाएगा, वाई वन इज इक्वल टू द वन माइनस ए एक्स वन बाई बी, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में जब पुट करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, मतलब बी और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, निकाल लो एक बार जल्दी से, या फिर एक काम करो यहीं से ही निकाल लो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। हो गया जी, डन बच्चे, वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। अगर देखो ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सॉरी सेम लाइन को तो नहीं रिप्रेजेंट करते, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी करी करी करी, सॉरी निकालिए इसको, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। वैसे मैं बता देती हूँ, ए आ जाएगा आपका आपका वन बाय टू एंड बी आ जाएगा आपका वन बाय फोर। देखो अगर मैं ए को वन बाय टू पुट करूं और बी को वन बाय फोर पुट करूं तो क्या ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। देखो ए को वन बाय टू पुट करो, सो एक्स वन बाय टू प्लस वाई वन बाय फोर इज इक्वल्स टू वन। तो बच्चे यहां से तो मुझे मिल रहा है ना कि ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टू आनी चाहिए, और बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन बाय फोर आनी चाहिए, सॉरी ए की वैल्यू वन बाय टू, ठीक है। तो ए बाय बी कितना आ गया बच्चे, टू के इक्वल आ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहां तक, बोलो भाई। मैम आ गया समझ। ओके चलिए जी आगे चलते हैं बच्चे, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है आप एक बार ट्राई करना, आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। देखो द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल दिस, ठीक है। देखो एक सर्कल है, कौन सा सर्कल है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। The code of contact of tangents drawn from a point on the circle, मतलब ये है point P, ठीक है। यहां से दो tangents आपने डाली, कौन से circle पर, circle x square, ये circle है आपका x square plus y square is equals to b square, समझ में आया। So जो इसकी code of है कॉन्टेक्ट है, यानी ये चीज ये किसको टच कर रही है, ये टच करती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है, टेंजेंट है,
ए बी क्या है, टेंजेंट है, और बी वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और पी क्या है, इस पॉइंट पर लाई करता है। कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, पी अगर मैं एक्स वन कॉमा वाई वन ले लू, ठीक है, और मुझे ये बताना है कि ए बी सी फिर किस में है, एपी में है, जीपी में है, यहां पर ना इसको एचपी लिख लो, ठीक है। सो ये कैसे प्रूव करेंगे देखना बच्चे। ए बी की इक्वेशन बताइए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ, कौन से सर्कल के लिए लिखेंगे, सेकंड वाले सर्कल के लिए लिखेंगे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी। समझ में आया यहां तक? यस मैम। और बच्चे एक चीज और है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द ए स्क्वायर। यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है बच्चे, यही लाइन जो है वो टेंजेंट है किस पर, इस पर, इस सर्कल पर। यानी देखो अब क्या होगा, यानी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज द टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो वन होगा, मतलब एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन होगा ना इनका। यस मैम। ठीक है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे। सबसे पहले तो वाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वन बाय वाई वन पुट करो इसमें। सो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन बाय वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है तो बच्चे यहां से डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करो, ठीक है, तो आपको एक्स वन वाई वन में रिलेशन मिल जाएगा, किसकी टर्म्स में, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर की टर्म में। और मुझे ऑलरेडी पता है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर कितना है बच्चे, ए स्क्वायर है। समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक? ये होता है क्वेश्चन छोड़ने का तरीका। अब देखते हैं असली तरीका जो कि हम किसमें करेंगे, जेई में यूज करेंगे। ठीक है ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एपी में हो सकते हैं, जीपी में हो सकते हैं, मैं दो ही ऑप्शन मान के चल रही हूं। ठीक है मैंने ले लिया ये, तीन सर्कल ले लिए, चलो लगाओ, मैंने मान लिया ये एपी में है। ठीक है तो मैंने इसको माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द टू स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द थ्री स्क्वायर। ठीक है जो इक्वेशन बनाई थी उनमें पुट करके देखो क्या किसी के लिए सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, नहीं। अब क्या मान लो, एक जीपी मान लो, इसकी जगह यहां पर फोर पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, तो जीपी इज द राइट आंसर। ठीक है समझ में आया? बाकी ये तरीका तो है ये, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करो और आपको क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा ए बी और सी में। समझ में आ गया जी? यस मैम। फाइन ओके बच्चे, कोई और डाउट है? बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।